Wow. Shivaji the boss. Shivaji the boss. करो ऐसे कर Shivaji the boss. मजा आ रहा है. तो कोई टकलापन से परेशान हो. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys अभी सुबह के 9:47 हो गए हैं. So guys आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग आपको विलेज टूर करवाएंगे. तो जितना मेरा गांव है ना, तो आज सब दिखाने वाला हूँ मैं. जितना भी मतलब स्पेशल चीज़ है ना, या जितनी भी मतलब हमारे मतलब यहाँ गांव में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, तो वो आज आपको दिखाऊंगा. सो मैं हर चीज़ आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा एंड हर चीज़ दिखाऊंगा वैसे. तो हाँ अब चलते हैं. आज वैसे ज़्यादा जने नहीं हमारे साथ. आज मैं और अमित है साथ में बस, और कोई नहीं है. क्योंकि यार एकदम सडनली बनाए प्लान एकदम. तो हाँ मैं सब मतलब अपने अपने काम पे चले गए हैं. तो अब हम ही दो बच्चे थे घर में जो लावारिस की तरह घूम रहे थे. हमने सोचा कि यार चलते हैं कहीं. तो हाँ ये हुआ. सो गाइस मैंने वैसे ना ये ब्लूटूथ भी लेके आ रखा है साथ में, बिकॉज ना जब हम बोर हो जाएंगे तब गाना बजाएंगे इस पे. ठीक है, मस्त मस्त गाने बजाएंगे वही वाले. तो गाइस गांव के टूर की शुरुआत ना हम अपने खेती बाड़ी से करेंगे, जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं ना. तो हाँ वहीं से करेंगे. तो ये देखो, तो ये है हमारे खेत पूरे यहाँ से, मतलब सभी लोगों के हैं, मेरे नहीं है. तो ऊपर से और नीचे तक, वहाँ लास्ट तक है नीचे तक. तो हाँ ये पूरा है. और यहाँ पे तो यहाँ हमारा गेहूँ एंड चावल होता है. तो हाँ गेहूँ एंड एक बात और गाइस कि यार यहाँ पे मतलब पहले ना पूरा मतलब जितना दिख रहे हो ना अब यहाँ से, तो नीचे से और यहाँ ऊपर तक पूरा मतलब खेती खेते, और अब लोगों ने बंजर कर दिया है. एंड अब लोगों ने ना मतलब बंजर कर दिया है. पहले मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे पूर्वज मतलब सब मतलब खेती बाड़ी पर करते निर्भर थे. तो हाँ वो भाई अब मतलब बहुत ही कम लोग, मतलब हम तो वैसे भी करते हैं ना, पर अब मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ. प्लेन्स में चले गए ना जो, तो उनकी बात कर रहा हूँ. उन्होंने मतलब खेत अपने छोड़ दिए हैं और मतलब बंजर से बेकार लगते हैं यार. अब जैसे ये देखो एक ये वाला हो गया, यही सामने पड़ा हुआ पूरा पूरा बंजर हो गया वैसे ये. और इसी के नीचे वाला, और वो देखो वहाँ पे झाड़ी हो रखी जिस पे, और वहाँ पे भी ऊपर. तो यार मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे देख के, बहुत बुरा लगता है. तो यार मतलब फिर भी यार क्या बताऊँ अब. सो गाइस अब मैं आपको दो तीन शॉट दिखाता हूँ यहाँ के अच्छे खासे मस्त दिखाता हूँ. गाइस अभी हमें कुछ यहाँ पे पेड़ पे पुरांस लगे हुए दिखे, तो उसको लेने चलते हैं. अब थोड़ा सा उसको खाते हैं और मस्त मतलब मज़ा लेते हैं यहाँ के. तो अमित जा रहे हैं लेने अभी, तो मैं भी चलता हूँ पीछे से. भाई गिर मत जाइयो. ले आया, कितने लाया? दो, तीन लाया था, एक नीचे गिर गया. सो गाइस अभी अमित बुरांस लेके आ गया है, तो अभी मस्त करके खाते हैं इसको. यहाँ से अच्छा खासा व्यू भी दिख रहा है, तो यहाँ पे व्यू भी देखते हैं और मस्त करके इसको खाते हैं. मिलता हूँ आपको इसको खाने के बाद. तब तक के लिए यहाँ के शॉट के मजे लीजिए. मैं तुरिया बड़ा नमी तो जावे मुड़िया ओ जीवे रेंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़. तो गाइस मस्त बुरांस खा लिया है, तो अब जो है अब दूसरी जगह दिखाता हूँ आपको. तो ये देखो ये है यहाँ का रिवर पॉइंट. तो ये देखो पूरा यहाँ से मतलब हम नीचे जब खेती बाड़ी करते हैं ना, तो जब हम चावल की खेती करते हैं ना, तो उस टाइम में अब यही पानी
वहीं पे जाता है, मतलब यही पानी ना पूरे खेतों में जाता है हमारे, और इसी से हम सिंचाई करते हैं खेतों की, तो यही है। फाइनली गए हम नीचे से ऊपर की तरफ आ गए हैं, तो ये देखो यहाँ से, और ये रास्ता है यहाँ से ऊपर 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 और यहाँ तक, तो हाँ यहाँ से ऊपर आ गए हम। तो आपने जितना भी देख लिया होगा कि हाँ वहीं पे हम अपना गेहूँ चावल जितने भी है, तो हाँ यहीं पे सब कुछ होता है यार। वैसे ना चलते चलते ना बहुत ही मतलब सांस फूल रहे हैं, ऊपर चलते चलते बहुत ही यार बहुत ही ऊँचा है चलने में, मैंने नीचे आता था पता भी नहीं लगा, ऊपर जाते हुए बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि बस क्या करूं। क्या कर रहा है भाई यहाँ पे बैठ के, हैं किसके नीचे का खो दिया तूने? अबे यार चल कोई नहीं यार, रहने दे। बताओ इसने मतलब जो मेरा ब्लूटूथ ला रखा था उसके नीचे का जो वो होता है ना ग्रिप पकड़ने की, वही खो दी इसने। चल रहने दे कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखो ये भी हमारे मतलब गांव वालों के खेत हैं यहाँ ऊपर से पूरा, और यहाँ ऊपर हमारे घर, और ये नीचे यहाँ से पूरा खेत ही खेत। तो मतलब ये ना सिर्फ गेहूँ और भी होता है कुछ, उसको बोलते हैं गड़ौले बोलते हैं, झंगोरा बोलते हैं ना, झंगोरा बोलते हैं और पता नहीं क्या बोलते हैं। तो हाँ यहाँ पे ओनली होते हैं गेहूँ और झंगोरा और पता नहीं क्या क्या होते हैं, तो हाँ सिर्फ चावल नहीं होते यहाँ पे, चावल नीचे साइड होते हैं बिकॉज वहाँ पे पानी है इसीलिए। तो देखो तो यहाँ पे तो मतलब कि 6 महीने पहले यहाँ पे बो दिए थे गेहूँ, तो गेहूँ होने वाले हैं यहाँ पे, और सामने अभी अभी मतलब तो कुछ दिन पहले वहाँ पे हल लगाया, तो अभी नहीं हुआ, अभी मतलब कि अभी बोएंगे कुछ दिन बाद बोएंगे। तो हाँ तो यही था यहाँ का, तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस अब हम आ गए हैं नरसिंह भगवान के मंदिर पे, तो वैसे तो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा ये मतलब मंदिर पहले ही देख लिया होगा, पर फिर भी गांव में आता है तो मैं गांव टूर करवा रहा हूँ आज, विलेज टूर करवा रहा हूँ आपको, तो भाई यहाँ के तो दर्शन करवाने पड़ेंगे। तो हाँ यहाँ के थोड़ी बहुत मतलब बता देता हूँ यहाँ के बारे में। तो ये है भगवान नरसिंह देवता का मंदिर, तो देख सकते हो आप, ये है नरसिंह भगवान का मंदिर, और ये भैरव देवता का मंदिर, और ये है अमित यहाँ पे खड़ा हुआ। कैसा लग रहा है? बढ़िया। इतने आराम से क्यों बोल रहे हैं? अगर आराम से बोलने की आदत थी। तो हाँ सो गाइस अभी दिन के 12 बज गए हैं एंड भूख भी लगी है वैसे, तो अब मैं सोच रहा हूँ घर जाके थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं नहा धो के, और उसके बाद मतलब 2 बजे के आसपास यहाँ से निकलते हैं और आपको और चीज़ें दिखाते हैं ऊपर की साइड की। हाँ ऊपर साइड दिखाएंगे आपको। आप रेडी रहिए बाद में, ठीक है? 2 बजे के आसपास। कितने बजे? 2 बजे। ठीक है ठीक है फिर। सो गाइस घर से मैं ऊपर आ गया हूँ, वैसे मेरे के घर चलते हैं अब एंड आपको दिखाते हैं, अच्छे अच्छे और जगह दिखाते हैं ना आपको अब। तो हाँ चलते हैं अब। सो गाइस ये है पानी का धारा, जब घर में पानी नहीं आता ना टंकी वगैरह में तो यहीं से लेके जाते हैं। तो हाँ सो गाइस ये पानी ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, बिकॉज ना ये पानी यहाँ से जाता है और यहाँ से नीचे से निकल के और इस वाले से रास्ते से और यहाँ पे इकट्ठा होता है इस वाले पे, तो ये हमारा बना रखा है एक मतलब कि यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ना, तो ये बना रखा है और यहाँ से नीचे जाता है फिर यहाँ पे, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे कपड़े धोते हैं जितनी भी लेडीज लोग होते हैं ना। तो हाँ सो गाइस सुमन को देखो, आकाश को देखो टकला। वाओ शिवाजी दा बॉस, शिवाजी दा बॉस ऐसे कर शिवाजी दा बॉस। सो गाइस टकलापन से परेशान हो। सो आकाश गंजेपन से परेशान हो, तो
तो लगाइए तेल। अगर अगर आप केश किंग लगाते हो तो 4 दिन में आपके बाल ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे ना, आपके जो बाल है ना वो घुटने तक चले जाएंगे। तो आप केश किंग लगाइए, मेरी एडवाइस यही है। तो रिकमेंड करता हूँ मैं आपको केश किंग लगाने का। तो जी हाँ, केश किंग लगाइए, ठीक है, 4 दिन में आपके बाल बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। तो गाइस अब मैं यहाँ का गांव का जो है छोटे बच्चे का स्कूल दिखाता हूँ आपको, जो 5वीं तक है ना, तो वो स्कूल दिखाता हूँ मैं आपको अब। ये देखो, तो ये रहा वो स्कूल, तो अंदर जाके देखते हैं अब। तो गाइस देख सकते हो आप प्राइमरी स्कूल। तो ये कमल का फूल यहाँ पे बना रखा है, एंड ट्री, गमला, मैंगो, टाइगर, एंड ये भी गमला ही है, और पिकॉक। तो हाँ ये देखो पूरा टाइगर, देखो टाइगर खतरनाक बना रखा है वैसे इनका है टाइगर। टाइगर को मुंह को क्या हुआ भाई? ये देखो क्या मस्त है भाई। तो हाँ, और यहाँ पे अच्छे खासे गमले भी लगा रखे हैं सारी तरफ, देख सकते हो आप वहाँ तक लास्ट तक। और ये पूरा कैसा लग रहा है भाई यहाँ के? अच्छा लग रहा है, अच्छा, मतलब जिसने भी डिज़ाइन बनाया है अच्छे अच्छे बना रखे हैं। तो ये टाइगर को क्या हुआ? लकवा मार गया। हाँ यार, मतलब जब हम पढ़ते थे ना यहाँ पे तो हमारे उतना डेवलप नहीं हुआ था, और अब के बच्चों के लिए ना इतनी फैसिलिटी आ गई ना, मैं बता नहीं सकता आपको। हमारे टाइम पे बहुत ही बुरा हाल था वैसे यहाँ का, वैसे अब अच्छा हो गया है, अच्छा खासा पेंट कर दिया है, मतलब जो सर लोग हैं वो भी अच्छे आ गए हैं। तो हाँ अच्छे, मतलब अच्छी स्टडी होती है यहाँ पे, और अच्छा है अब, पहले से बेटर है अब सब चीज़। तो हाँ ये यहाँ का है, तो यही है। तो भाई स्कूल भी दिखा दिया मैंने आपको, तो अब दूसरी जगह चलते हैं। तो गाइस वैसे ना हमारे गांव में ना गिन के बता रहा हूँ 4 या 5 दुकान है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो एंड गाइस ये देख सकते हो आप, ये वाला जो मकान टूट रखा है ना, तो ये वाला यार जब ऐसे मकान टूटते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है यार देख के, मतलब अच्छे खासे मकान टूट गए तो हाँ यार बेकार लगता है यार बहुत। सो गाइस आपको वो पहाड़ दिख रहा होगा वो वाला, तो उस पर नहीं जाऊँगा मैं, बिकॉज वो सेकेंड व्लॉग में आपने देख लिया होगा, उसी पर गए थे हम, तो वहाँ पर जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आपने देख रखा है पहले ही सेकेंड व्लॉग में। तो हाँ ये भी एक गांव का हिस्सा ही है, बिकॉज इसके इससे नीचे हमारा गांव स्टार्ट होता है ना, इसलिए हमारे गांव का हिस्सा आया था। सो गाइस आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम पहले मैच खेलते थे, एंड ये हमारा प्लेग्राउंड था, बट क्या हो गया ना, हाँ यहाँ पहले खेलते थे बट क्या हो गया, रोड की वजह से पूरा तहस नहस हो गया, रोड ने यहाँ पे अपना जितना मल हुआ था ना सब डाल दिया इसके अंदर, और ये बेकार हो गया अब, तो अब यहाँ पे नहीं खेलते। तो हाँ यही है। सो गाइस यहाँ से और ये पूरा दिख रहा होगा ना ऊपर तक लास्ट तक, और ये पूरा पूरा घूम के और उसके नीचे पल्ली तरफ जहाँ हम सुबह गए थे ना, तो वहाँ तक पूरा हमारा गांव है पूरा। सो गाइस ये आज का सीन था, जितना भी आपने देख लिया होगा, तो मैंने जितना भी मेरे से हो सका मैंने आपको विलेज का टूर करवाया, एंड जितना भी था मैं दिखा दिया। हाँ तो अब वीडियो को एंड करते हैं। सो वीडियो पसंद है तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।